हेलो स्टूडेंट, आई एम राजकुमार फ्रॉम जीपीएस एकेडमी हरदौगंज। लेसन 4, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शंस प्रजनन, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग प्रोड्यूस न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वे क्रिया जिसमें जीवित सब्सटेंस अपने जैसा एक लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करे वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शंस थ्रू सीड्स, प्रजनन बीज के द्वारा। अनडेवलप्ड सीड डू नॉट ग्रो, सम आर ईटन बाय एनिमल और डिस्ट्रॉयड बाय हीट और रेन। अव्यवस्थित बीज ग्रो नहीं होता है, उगता नहीं है, और वे बीज जिसे एनिमल खा जाते हैं और या ही वो नष्ट हो जाते हैं बरसात के द्वारा। अदर मे नॉट गेट द राइट सॉइल और इनफ एयर एंड वाटर। अगर जो बीज है उनको सही मात्रा में हवा और वाटर की आवश्यकता नहीं पूरी हो पाती तो वो भी नहीं ग्रो होते हैं। इन दिस वे ओनली ए फ्यू सीड गेट इट चांस टू ग्रो। इस प्रकार केवल कुछ ही बीज मिट्टी में उग पाते हैं एक नए पौधे के रूप में। जर्मिनेटिंग सीड नीड एयर वाटर एंड सुटेबल टेम्परेचर। बीज को जमने के लिए उचित मात्रा में वाटर, एयर और उचित ताप की आवश्यकता होती है। स्टेज इन जर्मिनेशन, उगने के लिए क्या अवस्थाएं होती हैं। द सीड ग्रो इन स्टेज। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट्स अपीयर कमिंग आउट ऑफ द सॉफ्ट मॉइस्ट सीड कोट। सर्वप्रथम बीज के अंदर से छोटी सी रूट्स निकलती दिखाई देती हैं। दिस इज फॉलोड बाय द शूट। धीरे धीरे तना दिखाई देता है। द रूट ग्रो डाउनवर्ड्स एंड द शूट ग्रो अपवर्ड्स टू बाय सनलाइट। रूट्स नीचे की तरफ मिट्टी में बढ़ती हैं और तना ऊपर सनलाइट की तरफ ऊपर बढ़ता है। ग्रेजुअली ग्रीन लीव्स ग्रो। हरी पत्तियां धीरे धीरे निकलने लगती हैं। द लीव स्टार्ट मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाना प्रारंभ करती हैं। द न्यू प्लांट एट दिस स्टेज इज कॉल्ड सीडलिंग। इस प्रकार वो नया पौधा की अवस्था सीडलिंग कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रूट स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट स्टेम एंड लीव्स ये सभी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के। रिप्रोडक्शन बाय रूट स्टेम और लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। प्रजनन जो जड़ तना और पत्तियों के द्वारा होता है वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मच क्विकर देन रिप्रोडक्शन थ्रू सीड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस बीज की अपेक्षा बहुत ही जल्दी से होने वाला प्रजनन है। न्यू प्लांट फ्रॉम द रूट्स, स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्निप, कैरेट, ईटीसी, शकरकंद, मूली, शलजम आदि आर रूट्स ऑफ प्लांट विच हैव स्टोर्ड फूड इन देम। वे प्लांट हैं जो अपनी जड़ों में भोजन को एकत्रित कर लेते हैं। इफ वी प्लांट देम इन द सॉइल और पुट इन वाटर, रूट्स एंड शूट्स ग्रो फ्रॉम देम। अगर हम इनको मिट्टी में या पानी में रखते हैं तो इनसे छोटी छोटी जड़ें निकलने स्टार्ट हो जाती हैं। न्यू प्लांट फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। पोटैटो, जिंजर एंड ऑनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम विच हैव स्टोर्ड फूड इन देम। पोटैटो, जिंजर, अदरक और प्याज अंडरग्राउंड स्टेम तना है जो अपने अंदर भोजन एकत्रित किए होता है। पोटैटो एंड जिंजर हैव बड्स। आलू और अदरक में कलिकाएं होती हैं।
जिसे हम आइस कहते हैं. इफ वी प्लांट देम इनटू द सॉइल अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द बड्स. अगर हम उसे मिट्टी में लगाते हैं तो उससे एक नया पौधा प्राप्त होता है. न्यू प्लांट फ्रॉम द रनर्स. प्लांट लाइक स्ट्रॉबेरी ग्रास एंड मिंट हैव वीक स्टेम. प्लांट जैसे स्ट्रॉबेरी ग्रास मिंट पुदीना इनके तने बहुत ही कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं. देयर स्टेम क्रीप अलोंग द ग्राउंड. इनके तने जमीन पर फैलते हैं. साइड ब्रांचेस होती हैं. ग्रो आउट ऑफ द स्टेम. चारों तरफ इनके तने फैलने लगते हैं. दे गेट सेपरेटेड एंड गो इनसाइड द सॉइल टू ग्रो. वे मिट्टी के अंदर जाकर एक नया पौधा बनाते हैं. न्यू प्लांट फ्रॉम द स्टेम कटिंग. सुगरकेन एंड रोज प्लांट आर ग्रोन फ्रॉम द स्टेम कटिंग. गन्ना और गुलाब का पौधा स्टेम तने को काटकर एक नया पौधा बनाता है. स्टेम कटिंग विद बर्ड्स इज प्लांटेड इन द सॉइल. द कटिंग ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज. बट सुगर कैन और रोज में जहाँ बर्ड्स होती हैं वहाँ से कट कर अगर हम इसे मिट्टी में लगाते हैं तो कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक नया पौधा उगता है. न्यू प्लांट फ्रॉम द टिप्स ऑफ ब्रांचेस लेरी. साइड ब्रांच ऑफ ए जैस्मिन प्लांट टू बेंड टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड ए पोर्शन कवर्ड विद मॉइस्ट सॉइल. द ग्रोइंग टिप इज एक्सपोज्ड. साइड की जो ब्रांचेज जैस्मिन पौधे की होती हैं तो अगर हम उसे जमीन में लगाते हैं मिट्टी में तो वो नीचे फैलती हैं. आफ्टर सम डेज न्यू रूट्स डेवलप. कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उससे नई जड़ें निकलने लगती हैं. द ब्रांच इज कट एंड द न्यू प्लांट विद सॉइल इज प्लांटेड टू अनदर प्लेस. फिर हम उस ब्रांच को कट कर लेते हैं और उसे एक नई जगह पर लगा देते हैं. न्यू प्लांट फ्रॉम द लीव्स. लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक ब्रायोफाइलम प्लांट एंड बेगोनिया बियर बर्ड्स ऑन देम. व्हेन केप्ट इन द मॉइस्ट सॉइल दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट. ब्रायोफाइलम और बेगोनिया बियर्स में पत्तियों में बर्ड्स कलियां निकलती है जिसको हम नमीदार मिट्टी में रखें तो कुछ दिनों बाद एक नया पौधा उत्पन्न होता है. सीड डिस्पर्सल. द स्प्रेडिंग ऑफ सीड इज नोन एज सीड डिस्पर्सल. बीजों को थ्रोन करना, बीजों को प्रकीकरण करना सीड डिस्पर्सल कहलाता है. डिस्पर्सल ऑफ सीड इज नेसेसरी so that is seed get enough space, nutrition, water and warmth to grow into a new plant. बीज को एक सही मात्रा में स्थान, न्यूट्रिशन, पौष्टिकता मिलती है, वार्म टेम्परेचर मिलता है एक नए पौधे उगने के लिए अगर हम बीजों को डिस्पार्सल कर बोते हैं. सीड डिस्पार्सल प्रोसेस इज मैनी वे. सीड डिस्पर्सल अनेक मेथडों के द्वारा होता है. लाइक एज अ विंड हवा के द्वारा, एनिमल्स जानवरों के द्वारा, वाटर जल के द्वारा एंड एक्सप्लोशन के द्वारा. द स्टोरी ऑफ टी. टी इज अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया. चाय भारत का एक बहुत ही प्रमुख ड्रिंक है. टी कम फ्रॉम अ ट्रॉपिकल एवरग्रीन प्लांट. टी हमें प्राप्त होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन पौधे से. द टी प्लांट नीड रेनफॉल. चाय के पौधे को वर्षा की आवश्यकता होती है. बट बॉटल शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट अराउंड द रूट्स. लेकिन अत्यधिक पानी की मात्रा पेड़ के जड़ों के आसपास एकत्र नहीं होनी चाहिए. दिस इज वाई टी इज ग्रोन ऑन हिली स्लोप इन एरिया. क्योंकि चाय का पौधा पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर उगता है. द टी प्लांट वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश. टी प्लांट को लाने का
श्रेय भारत में ब्रिटिश को जाता है। ओके स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।